और बात करते हैं गया की, जहां 45 वर्षीय महिला रूबी कुमारी के पेट से 5 किलो गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया है। बताया जाता है कि महिला पिछले कई समय से पेट दर्द से पीड़ित थी। लगातार कई चिकित्सकों एवं अस्पताल का चक्कर काटने के बाद भी महिला को कोई आराम नहीं मिला। ऐसे में मरीज को आधी रात में पेट का दर्द बढ़ने पर उनके परिजन द्वारा अर्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया और सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल द्वारा जांच और इलाज प्रारंभ किया गया। संपूर्ण परीक्षण एवं जांच से पता किया कि मरीज के पेट में एक बड़ी गांठ पनप रही है, जिससे परिवारजनों को अवगत कराया गया तथा डॉक्टरों की टीम द्वारा ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। मरीज का लगभग 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिस दौरान विशेषज्ञों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। विशाल गांठ पेट के बाकी अंगों से बसते हुए निकलना अपने आप में काफी जटिल था। फिर अपने अनुभव एवं कौशल से सफलता प्राप्त हुई। ऑपरेशन के दौरान पेट में देखा गया कि इन्फेक्शन भी फैला हुआ है, जिसको हटाना सबसे बड़ी चुनौती थी। विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल एवं डॉक्टर एकता वर्मा ने किया। साथ ही डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर दीपक मौर्य एवं रजनीश, रविंद्र, संतोष, विवेक, गौरव, राजीव एवं सभी स्टाफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया और मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर जा रही है, जिसे पूरे अस्पताल ने महिला एवं उनके परिवार के साथ केक काट कर जश्न मनाया और स्वस्थ जीवन की कामना की। पूरे परिवार ने डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर एकता वर्मा एवं समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। वहीं नया जीवन पाकर महिला की आंखों में खुशी की मुस्कान देखी गई है। बताया जाता है कि समय पर इलाज नहीं किया गया होता तो पेट की गांठ से महिला की मौत हो सकती थी। नहीं पता था। अच्छा। अचानक फास्टिंग पे थे, तबीयत खराब हुआ। अच्छा। तबीयत खराब हुआ तो ज्यादा हो गया। ठीक है। तो फिर दूसरे दिन गए हम प्रियांशु कुमार यहाँ, तो उनके यहाँ दिखवाए तो नहीं किए, बोले कि जाइए सर्जन यहाँ, मेरा किस नहीं है। तो फिर रेफर किए राजेश्वर शर्मा यहाँ, उनके यहाँ गए तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों देखे। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं पता चला, पानी खाली निकला। फिर वो बोले कि गैस का गोला आँख में फंस गया है, ऑपरेशन करना। तकलीफ क्या होता था कि जो डॉक्टर पेट में दर्द, गैस, हमको लगा कि खाली गैस है, पेट चढ़ गया। कितने सालों से ये परेशान है? कुछ नहीं, बस वही एक दिन में हमको पता चला। एक ही दिन में ऐसा हुआ? पता हमको एक ही दिन में चला। अच्छा, तो अभी आप कहाँ हैं? अभी तो है हमारे हॉस्पिटल नंदी के जी पे। अच्छा, तो यहाँ क्या आपका ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया? आए यहाँ तो फिर हुआ कि क्या है, ये हुआ है सी टी स्कैन हुआ, उसमें पोर्टल निकल गया, फिर अकवाल सर देखे, फिर टोटल निकला तो अभी यहाँ पर रहा है, सब ठीक से ट्रीटमेंट हुआ, सुधार हुआ, फिर कैंसर का ये हुआ, जाँच हुआ, फिर उसका रिपोर्ट आया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, किस बीमारी का ऑपरेशन हुआ? ओवरी का और यूट्रस सबका हुआ। तो क्या पाया गया? पाया गया गांठ है, उसमें जख्म है सबका। ऑपरेशन हो गया, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रूबी कुमारी, कोलमा हाउस किरानी का। हमारे पास एक मरीज आई थी पेट में गैस की शिकायत लेकर के, उन्हें बार बार गैस की दवाई खा रही थी, उनके पेट भी काफ़ी सूजा हुआ था। फिर हमने, उन्हें लग रहा था कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम है, फिर हमने जांचें करवाई, जिसमें हमें पता चला उनके अंडाशय का करीब 16x18 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था, जो कि हमने मतलब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डायग्नोस किया, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। हमने फाइनली अपने टीम के साथ बैठ करके हम लोगों ने डिसाइड किया एक्सप्लोरेटरी लैप्रोस्कोपी करने का, जिसमें हमने उनकी बच्चेदानी के साथ साथ दोनों अंडाशय, जो कि एक 18 सेंटीमीटर का और दूसरा 5 से 6 सेंटीमीटर का था, दोनों अंडाशय को साथ में निकाला। विद साथ में हमने सारे उनके ओमेंटम, पेरिटोनियम, अपेंडिक्स, सारी जितने भी अंग थी सारे को ठीक से हमने देखा। असाइटिक फ्लूइड, जो पेट में पानी आ गया था, उसे भी निकाल के जांच में भेजा और फाइनली हमें जो रिज़ल्ट आया, अभी होपफुली पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, उन्हें आज हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया है, शी इज़ वेरी हैप्पी। और इस वजह से दो अंडाशय था, हर मरीज़ में दो अंडाशय होती हैं, लेकिन उनका एबनॉर्मली एनलार्ज हो गया था और एक ट्यूमर हो चुका था उसमें। तो ट्यूमर जो है कितना बड़ा?
18 सेंटीमीटर था, करीब 5 से 5.5 के आसपास है। मैं डॉक्टर एकता वर्मा हूँ। मैंने अपना MBBS और MS ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किया है। फिर एक साल का मैंने SRship सीनियर रेसिडेंसी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है। अभी फिलहाल डॉक्टर एकता और डॉक्टर अग्रवाल के मिलकर के करीब करीब 6 केजी का ट्यूमर निकाला पेट से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डायग्नोसिस देखने में लग रहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉम्प्रेशन है या मैलिगेंसी है। ज़्यादातर कंसल्टेंट कर रहे थे डॉक्टरों कि कहीं मैलिगेंसी नहीं है, कैंसर नहीं, लेकिन इन लोगों ने कैंसर का जाँच करवाया था। इस तरह की केस पहली बार आई के सर? हाँ, ट्यूमर कितने कम्प्लीकेट केस थी, सभी पहली बार में 6 से 8 केजी में ट्यूमर का निकाला। ये था अप्रॉक्सीमेटली का, और निकालने में इन लोगों को काफ़ी हम लोगों निकाला, आराम से निकाला, बच्चे से निकल रहे हैं। और हम लोगों के साथ उन लोगों से क्या हवाले करें, क्या संदेश देना? अभी अभी है कि सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और हम लोगों के ग्रुप में हम लोग टीम में नए कंसल्टेंट आए हैं, जो कि IMS BHS MD हैं, MD क्रिटिकल केयर और MD फेलोशिप का क्रिटिकल केयर है। मरीज का क्या कंडीशन है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी यहाँ पर पहले नहीं थी वो सारी फैसिलिटी का गैर मतलब है, जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की फैसिलिटी।